हेलो एवरीवन, मास्टर डॉक्टर संस्कृति। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग कॉजेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। अब टर्म से ही समझ में आ रहा है, क्रोनिक किडनी डिजीज दैट इज किडनी की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, किडनी आपकी डिटोरिएट हो चुकी है। जो फंक्शन है, जो भी एक्टिविटीज जो हमारी किडनी परफॉर्म करती है, दैट इज़ फिल्ट्रेशन जो भी है, एक्सक्रीशन का जो भी काम है, वो ढंग से नहीं कर पा रही है, और जिसकी वजह से हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, हमारी इम्यूनिटी और हमारे बाकी ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारी किडनी ख़राब होती है। नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक एंड वेरी कॉमन रीज़न, दैट इज़ डायबिटीज़। हमारे ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाना इज़ डायबिटीज़। तो कई बार जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है, तो दैट कैन अल्टीमेटली अफेक्ट आर हार्ट ऑल्सो। तो शुगर का बढ़ना कैन अल्टीमेटली अफेक्ट आर किडनीज एंड हार्ट टू। नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंड रीज़न, दैट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, ये बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न है आपकी किडनी फेलियर के या फिर किडनी डैमेज किसी भी वजह से हो रही है। तो ये वही दो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी किडनी बहुत जल्दी डिटोरिएटिंग कंडीशन में पहुंच जाती है, और कॉमन इसलिए है क्योंकि आजकल हर सेकेंड पर्सन को डायबिटीज़ या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती रहती है। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड रीज़न, दैट इज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता क्या है? जो भी हमारी किडनी की फिल्टरिंग यूनिट्स हैं, जो भी हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट होती है, जिनकी वजह से हमारा ब्लड फिल्टर होता है, फिर हमारे टॉक्सिन्स फिल्टर होता है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। अब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मीन्स, जहाँ पे भी आप टर्म सुनते हैं मेडिकल में, आइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो उसके अंदर स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, वो इन्फ्लेम्ड हो रही है, पेन हो रहा है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ऑल्सो द मेन कॉज। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, दैट इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ना पॉलीसिस्टिक किडनी से आपको समझ आ रहा होगा, पॉलीसिस्ट, तो दैट इज किडनी के अंदर सिस्ट हो जाना। छोटे छोटे बहुत सारे सिस्ट जब हमारी किडनी को अफेक्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं, फिर फॉर्मेशन हो जाती है सिस्ट की, दैट इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब इसी के अंदर फर्दर अगर हम देखें तो एक होता है हेरिडेटरी किडनी डिसऑर्डर। हेरिडेटरी किडनी डिसऑर्डर होता है जैसे कि आपकी फैमिली से, जो आपके जेनेटिक आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलती हैं, दैट इज़ हेरिडेटरी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, रीज़न है, जिसकी वजह से आपकी किडनी काफ़ी जल्दी यंग एज से किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट कॉज इज पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या है? आपकी किडनी बार बार रीअकरेंट किडनी डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी किडनी बार बार डैमेज हो रही है, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू, एक बार जब आपकी किडनी बार बार अपनी फंक्शनिंग में डिटोरिएट होती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली आपको किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है। तो दैट इज़ पाइलोनेफ्राइटिस। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरस्टीशनल नेफ्राइटिस। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपकी किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, जो भी हमारे किडनी में ट्यूब्यूल्स होते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, जो भी हमारे यूरिन को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं, तो आपके ट्यूब्यूल्स में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट रिजल्ट्स इनटू इंटरस्टीशनल नेफ्राइटिस। ये कुछ ऐसे रीजंस थे जो हमारी किडनी को डैमेज होने में, जो हमारी किडनी के डैमेज होने के कॉजेज होते हैं, जिनकी वजह से हमारी किडनी डैमेज होती है। अब जो जो आपको रीजंस पता चले हैं, जो जो मैंने आपको कॉजेज बताए, अब आपको ये पता चल रहा होगा कि ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। तो आपको पहले से ध्यान रखना है, आपको अपना ब्लड शुगर लेवल, बीपी, इन सबको कंट्रोल रखना है, आपको अपनी डाइट को मैनेज करके चलना है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो करना है, आपको रिदमिक एक्सरसाइजेस करनी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना है, आपको अपने बीपी, शुगर, इन सब का मेजरली ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी किडनी को अफेक्ट कर सकती है, इनके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। जो सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा जो लोग ध्यान नहीं देते हैं जिस चीज़ पर, दैट इज़ ड्रग्स। होता क्या है, जब भी हम मेडिकेशंस लेते हैं, लाइक सपोज़ आपको हेडेक हुआ, स्टमक पेन हुआ, तो आप चले गए केमिस्ट की शॉप पर। डॉक्टर से कंसल्टेशन करना बहुत लोग ज़रूरी नहीं समझते, डायरेक्ट केमिस्ट की शॉप पे चले गए, वहाँ से कुछ मेडिकेशंस ऐसी ले ली जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है आपकी किडनी पे, और धीरे धीरे हमें आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। लाइक सपोज हमने मेडिसिन ली हेडेक की, हमें आराम मिलना स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें हेडेक होगा तो हम फिर से वही मेडिकेशंस लेंगे, क्योंकि पहले रिलीफ इंस्टेंट मिला था। तो जब भी मेडिकेशंस लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी किडनी पे इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी किडनी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है, और किडनी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, और उसका फिर कोई रीज़न नहीं है, या तो आप डायलिसिस या फिर आपका किडनी ट्रांसप्लांट। विद माई एक्सपीरियंस आई कैन से दैट होम्योपैथिक मेडिसिन का
जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी रिकवरी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपैरेटिवली एलोपैथिक मेडिसिन के। तो आपको मेडिकेशन से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है, या फिर आपको डाइट चार्ट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।